हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल आईडिया नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 के रिगार्डिंग में। और आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं, जितने भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के माइंड में, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर किन किन ट्रेडों में अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम सिलेबस क्या है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आज के वीडियो में हम इन सभी विषयों पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पीवी का ऑफिशियल वेब पेज है। और आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस एनालिसिस के लिए। जैसा कि सभी को पता है कि आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए विभिन्न ट्रेड्स में रिक्रूटमेंट्स ओपन किया गया है और अलग अलग ट्रेड्स के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर्स की पोस्ट आई हुई हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग ऑफिसर डीजल मैकेनिक के लिए। तो डीजल मैकेनिक की अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 40 हैं और इन 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। अगर हम इनके वेतनमान की बात करें तो इसका जो वेतनमान है 32,800 से 1,03,600 रुपये सेवेंथ पे के अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन इस वेतन में अगर हम देखें तो जो पीईबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें 3 वर्ष की जो परीक्षा अवधि होती है उस अवधि के दौरान प्रथम वर्ष में आपको 70% सैलरी दी जाएगी, सेकेंड ईयर में आपके लिए 80% सैलरी मिलेगी और थर्ड ईयर में आपके लिए 90% सैलरी प्राप्त होगी। जब आपकी परीक्षा अवधि 3 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको फुल वेतन या सैलरी प्राप्त होगी। अगर हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है क्योंकि क्वालिफिकेशंस को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है कैंडिडेट्स के माइंड में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका क्वालिफिकेशन है डीजल मैकेनिक के प्रशिक्षण अधिकारी पद के लिए, आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास में 10th प्लस SCVT या फिर ITI से SCVT या फिर NCVT से ITI प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए और साथ में लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं कि यदि आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का यदि आपने NCVT या फिर SCVT से 2 वर्ष का पाठ्यक्रम किया है तो भी आप प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा डिग्री एंड डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए हम बता दें कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इससे रिलेटेड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिग्री या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप डीजल मैकेनिक ट्रेनिंग ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और साथ में सभी को लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना आवश्यक रहेगा। अब इसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि बात करने वाले हैं आज के वीडियो में सिलेबस के लिए, कि इसका डिटेल सिलेबस क्या हो सकता है जिससे कि 75 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे। चूँकि सभी को पता है कि इसका जो सिलेबस है उसमें 25% आपके लिए नॉन टेक्निकल सेक्शन है एंड 75% में आपके लिए टेक्निकल सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपके MCQ बेसिस पे रहेंगे। तो पीवी के ऑफिशियल वेब पेज पर आप रूल बुक के साथ सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें सिलेबस को जो है शॉर्ट भी में पॉइंट्स बाय पॉइंट्स समझाया हुआ है। लेकिन उसका यदि हमें डिटेल सिलेबस है चाहिए या देखना है तो हमें उसको DGT की ऑफिशियल वेब पेज से देखना होता है। एक्चुअली मैं ITI में 1 वर्ष या 2 वर्ष के जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी के लिए जो सिलेबस होता है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया जाता है। तो वहाँ से DGT की ऑफिशियल वेब पेज से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से उनका डिटेल सिलेबस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा मैकेनिक डीजल के लिए CTS स्कीम के अंतर्गत NSQF लेवल 4 का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सिलेबस में, चूंकि ये सेक्टर ऑटोमोटिव सेक्टर्स का सिलेबस होता है और 1 साल का कोर्स होता है, तो यहाँ पर सिलेबस में जो है नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ट्रेड सिलेबस के अंदर का सिलेबस फॉर मैकेनिक डीजल्स में आप यहाँ देख सकते हैं 3 प्रकार के कॉलम होते हैं। इन 3 प्रकार के कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम होता है आपका रेफरेंस लर्निंग आउटकम्स, सेकेंड जो कॉलम होता है प्रोफेशनल स्किल ट्रेड प्रैक्टिकल्स विद इंडिकेटिव हॉर्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड थ्योरी। एक्चुअली में जो टेक्निकल के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके क्वेश्चंस बनते हैं ट्रेड थ्योरी से।
लेकिन जो पीबी ने ऑफिशियल सिलेबस अपलोड किया हुआ है उस सिलेबस में उन्होंने रेफरेंस लर्निंग आउटकम के पॉइंट्स को समाहित किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस लर्निंग आउटकम जो होता है, ये रेफरेंस लर्निंग आउटपुट हमें टेट थ्योरी से ही प्रैक्टिकल करने के पश्चात हमने क्या सीखा, ये इस चीज़ के बारे में इसमें जो है डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर चेक एंड परफॉर्म मेजरिंग एंड मार्किंग बाय यूजिंग वेरियस मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स, मेजरिंग एंड मार्किंग टूल्स में यदि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, टेलीस्कोपिक गेज, डायल बोर गेज, डायल इंडिकेटर्स, स्ट्रेट एज, फीलर गेज, थ्रेड पिच गेज, वैक्यूम गेज, टायर प्रेशर गेज एंड द फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो इन सब लर्निंग आउटकम्स के पॉइंट्स को पीबी के ऑफिशियल वेब पेज के सिलेबस में आप देख सकेंगे। और इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके लिए यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इस थ्योरेटिकल पोर्शन से हमको इसके अकॉर्डिंग लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग हमको स्टडी करना होता है। हैंड्स एंड पावर टूल्स में आपके लिए ये सब मिल जाएंगे, मार्किंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस। अगर हम सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो इस प्रकार से बहुत सारे इसमें लर्निंग आउटकम्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो ये आप देख सकते हैं, ट्रेस एंड टेस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सर्किट एंड असेंबल सर्किट टू इंश्योर फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। तो इस सेक्शन के अंतर्गत हमको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इस स्टेट थ्योरी के सिलेबस को कवर करना होगा। इसी प्रकार से डीजल मैकेनिक के सिलेबस में 52 पॉइंट्स जो है लर्निंग आउटकम्स के शामिल किए गए हैं, तो वो सभी 52 पॉइंट्स का डिटेल सिलेबस आपको डीजीटी के इस सिलेबस से प्राप्त हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर मॉनिटर एमिशंस ऑफ व्हीकल्स एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ऑपरेशन टू ऑब्टेन ऑप्टिमम पॉल्यूशंस एज पर एमिशंस नॉर्म्स, तो यहाँ पर व्हीकल्स में जो एमिशन कंट्रोल्स वाला जो पोर्शन रहेगा उसके लिए हमको यहाँ पर स्टडी करना होगा। इसी प्रकार से आगे सारे पॉइंट्स इसमें आपको लिए दिखाए देंगे, कैरी आउट ओवरहॉलिंग ऑफ अल्टरनेटर एंड स्टार्टर मोटर। और इस प्रकार से आपका ये लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, डायग्नोस एंड रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स इन लाइट मोटर व्हीकल्स HMV टू इंश्योर फंक्शनैलिटी ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ पर ये जो इसे थ्योरेटिकल पोर्शंस का जो सिलेबस है यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रबल शूटिंग एंड हाई फ्यूल कंजप्शन इंजन ओवरहॉलिंग लो पावर जनरेशन। तो इस प्रकार से आपको लर्निंग आउटकम के सिलेबस को सिलेबस में कवर किया गया है और उससे रिलेटेड हमको ये ट्रेड थ्योरी के सिलेबस से क्वेश्चन MCQ बेसिस पे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से डीजल मैकेनिक टेट थ्योरी के सिलेबस को DGT के ऑफिशियल वेब पेज से डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आप लर्निंग आउटकम के रेफरेंस में टेट थ्योरी से डिटेल सिलेबस देख करके स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हम बताते हैं कि आपको किस बुक से स्टडी करना फ़ायदेमंद रहेगा, तो अगर हम बुक्स की बात करें तो अरिहंत प्रकाशन की बुक्स आप परचेस कर सकते हैं और अरिहंत प्रकाशन की बुक्स जो कि ITI के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं उसी बुक्स से आपको MCQ क्वेश्चंस और डिटेल सिलेबस प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी थैंक्स।